हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम एमपीएससी रुधौली बस्ती। स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन द ऑनलाइन क्लासेज आर गोइंग ऑन एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू टीच यू इन माय बेस्ट शैली। यू नो आई हैव टॉट द फर्स्ट पोएम, फर्स्ट लेसन ऑफ द प्रोज A Girl with a Basket, and I have taught you two lessons from short story A Gold Watch and the second lesson An Astrologer's Day. You have read both of the lessons carefully and I hope that you will have understood very well of both lessons. Today I am going to start the poetry section. Students, all of us know that we have to read only 7 poems from the poem. Today I am going to write the meaning of first 3 or 4 poems. So be ready and write the meaning of the first poem. The name of the poem is Character of a Happy Life. एक प्रसन्न व्यक्ति का विशेषता। सर हेनरी वाटन इस पाठ के लेखक हैं, पोएट हैं। तो चलिए हम लोग पहले पोएट के द्वारा लिखा गया पहला पाठ Character of a Happy Life के मीनिंग्स को लिखते हैं, इसको लिख करके इसको याद करते हैं, एंड देन वी शैल रीड and explain this lesson. Now let us start writing the meaning. The first meaning is character. Character means gun ya visheshta. Taught means shiksha. Will means ichha. Armor means suraksha kavach. Utmost skill, UTMOST, utmost skill means sarvashrestha kausal. Passion, पैसन मीन्स जुनून। एस्टेल माने हमेशा। प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार। अनटाइड मीन्स होता है मुक्त। केयर माने परवाह। प्रिंसली लव मीन्स राजाओं का प्रेम। वल्गर ब्रीथ माने सामान्य लोगों की आलोचना। र्यूमर मीन्स अफवाह, अफवाह लिखना, अफवाह। कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा। रिट्रीट मीन्स शरण स्थली। स्टेट मीन्स राज्य, दशा या कहना। फ्लैटरर मीन्स चापलूस। फीड माने खिलाना या लाभ पहुंचाना। रिवन मीन्स विनाश। अप्रेसर मीन्स अत्याचारी। एनवी माने ईर्ष्या करना। रेज माने उन्नति करना या उठना। वॉइस मीन्स दुर्गुण। डीप मीन्स गहरा। उंड मीन्स घाव। प्रेज मीन्स प्रशंसा। रूल मीन्स नियम। लेट एंड ईयरली सुबह शाम या देर सवेर। प्रे मीन्स प्रार्थना करना। ग्रेस मीन्स कृपा या एहसान। लेंड माने उधार देना। इंटरटेन मीन्स मनोरंजन करना। हार्मलेस बिना नुकसान के। वेल चूजन अच्छी तरह से चुना हुआ। सर्वाइल बैंड गुलामी का बंधन। रेज मीन्स उठना। लार्ड सॉरी राइज है, राइज मीन्स उठना। लार्ड मीन्स मालिक। लैंड्स माने जमीन। हैथ माने रखना। तो बच्चों, द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट लेसन यानी फर्स्ट पोएम इज ओवर। नाउ वी शैल राइट द मीनिंग ऑफ सेकंड लेसन। द नेम ऑफ द सेकंड पोएम इज द ट्रू ब्यूटी। द ट्रू ब्यूटी का मीनिंग आप अगले पन्ने पर लिखेंगे। इस पाठ के पोएट का नाम है थॉमस कैरियू। बहुत ही शानदार डिडेक्टिव इंस्पायरिंग पोएम आपके सामने मिलेगा। इसका माने आप लोग लिखना शुरू करें। रोजी इज द फर्स्ट मीनिंग। रोजी मीन्स गुलाब के जैसा। चीक मीन्स गाल। कोरल मीन्स होता है मूगा, गहरे लाल रंग का एक रत्न है जो समुद्रों में पाया जाता है, उसको कोरल कहते हैं। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। स्टार लाइक मीन्स होता है तारों के जैसी। डथ, डथ को हम डज पढ़ेंगे। सीक मीन्स तलाशना। फेल मीन्स ईंधन, मेंटेन रखना। फायर्स माने प्रेम की आग।
डिके मीन्स क्षय या पतन, फ्लेम मीन्स प्रेम की आग, वेस्ट अवे मीन्स होता है बुझ जाना, स्मूथ मीन्स होता है चिकना, स्टेडफास्ट मीन्स दृढ़, काम मीन्स शांत, डिजायर मीन्स इच्छा, इक्वल मीन्स बराबर, कंबाइंड माने मिश्रित या मिला हुआ, कैंडल माने प्रेरित करना, नेवर डाइंग फायर का मतलब होता है चिर अस्थाई प्रेम, डिस्पाइज माने घृणा करना। द मीनिंग ऑफ सेकंड पोएम इज आल्सो ओवर, नाउ वी शैल स्टार्ट द मीनिंग ऑफ थर्ड लेसन। द नेम ऑफ द थर्ड लेसन इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, वेरी वेरी इंस्पायरिंग पोएम कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन आफ्टर हिज ब्लाइंडनेस इन 1652 के आसपास ये पोएम लिखा गया है। तो आइए देखते हैं इस पोएम का मीनिंग। ब्लाइंडनेस माने होता अंधापन, कंसीडर मीन्स समझना, लाइट मीन्स होता है नयन ज्योति आँखों की रोशनी, स्पेंट मीन्स समाप्त हो जाना, इर माने पहले, हाफ डेज माने आधी उम्र, वाइड माने चौड़ा, टैलेंट मीन्स प्रतिभा, हाइड मीन्स छिपाना, लाज मीन्स पड़े रहना, बेंट माने उत्सुक या तत्पर, बेंट मीन्स होता उत्सुक या टैलेंट मीन्स प्रतिभा हो गया, हाइड मीन्स छिपाना, लाज मीन्स पड़े रहना, बेंट माने उत्सुक या तत्पर। नया भगवान बनाने वाला होता है, लेकिन यह भगवान से मतलब है जिसने हम सभी को बनाया है। प्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करना, ट्रू अकाउंट माने सच्चा लेखा जोखा, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि, चाइड मीन्स डांटना, एग्जैक्ट EXACT एग्जैक्ट माने मांगना, यहाँ इस पोएम में एग्जैक्ट का मतलब मांगना। डे लेबर जीवन के कार्यों का हिसाब किताब, फॉन्डली मीन्स मूर्खतापूर्वक, पेशेंस मीन्स धैर्य, प्रिवेंट माने रोकना, मर्मर माने फुसफुसाना, बियर मीन्स सहना, माइल्ड मीन्स हल्का, योक माने जुआ, बैलों के कंधों पर रखा जाने वाला एक उपकरण उसको जुआ कहा जाता है, किंगली माने राजाओं जैसा, बिडिंग मीन्स आदेश, स्पीड माने तेज़ी से, पोस्ट माने भेजना, ओशन माने समुद्र। देन स्टूडेंट्स द मीनिंग ऑफ थर्ड लेसन इज आल्सो ओवर, नाउ वी शैल राइट द मीनिंग ऑफ फोर्थ लेसन। द मीनिंग ऑफ फोर्थ लेसन इज फ्रॉम एन एलजी राइटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इसके कंपोजर हैं थॉमस ग्रे। तो आइए मीनिंग देखते हैं। कंट्री चर्चयार्ड पहले मीनिंग है एलजी। एलजी मीन्स शोक गीत, कंट्रीज चर्चयार्ड मीन्स होता है देहात का कब्रिस्तान, कर्फ्यू माने गिरजाघर की घंटी, टॉल मीन्स बजना, नल माने घंटी की आवाज़, लोविंग हर्ड, लोविंग हर्ड माने धीरे धीरे चलते हुए पशु, ली मीन्स चारागाह, प्लाउ मैन मीन्स किसान, होमवर्ड मीन्स होता है घर की तरफ, प्लॉड PLOD या स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है PLOD होना चाहिए, प्लॉड माने धीरे धीरे चलना, वेरी मीन्स थका हुआ, बिनित माने नीचे, रग्ड मीन्स भद्दा पुराना, यल्म एक प्रकार के वृक्ष, यू इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ ट्री एक प्रकार के वृक्ष, हीव्स HEAVES हीव्स माने ढेर, हीप का बहुवचन है, टर्फ मीन्स होता है जंगली घास, मोल्डरिंग हीप का मतलब होता है टूटती फूटती कब्रें, नैरो मीन्स सकरा, सेल माने कब्र, फॉरएवर माने हमेशा के लिए, लेड माने लेटा हुआ, रिड मीन्स अभद्र, हैमलेट माने छोटा कस्बा। ब्रिजी काल सुगंधित हवा, इंसेंस मीन्स सुगंधित, ब्रिजी काल को ताज़ी हवा भी कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ताज़ी हवा लिखें। इंसेंस मीन्स सुगंधित, सोलो मीन्स अबाबेल पक्षी, ट्विटर मीन्स चहचहाना, स्ट्रॉ बिल्ट सेड का मतलब होता है घास से बना हुआ घोंसला, कॉक मीन्स मुर्गा, श्रिल क्लेरियन माने तेज आवाज़, इको मीन्स गूंजना, हार्न मीन्स भोंपू, राउज माने जगाना या उठाना, लोबली बेड माने कब्र, एम्बिशन लिखेंगे AMBITION एम्बिशन माने महत्वाकांक्षी लोग, मॉक मीन्स मजाक उड़ाना,
टॉयल मीन्स परिश्रम करना, होमली जॉय मीन्स साधारण खुशी, छोटी छोटी खुशी, डेस्टिनी मीन्स भाग्य, ऑब्स्क्योर मीन्स अस्पष्ट जो स्पष्ट ना हो, ग्रैंडियर मीन्स शानदार लोग, डिसडेन मीन्स घृणा करना, एनाल्स मीन्स होता अभिलेख रिकॉर्ड आंकड़ा, यहाँ आंकड़ा लिखा हुआ आप आंकड़ा लिखेंगे, बॉयस्ट मीन्स डींग मारना भौकाल मारना सेखी बघारना, हेराल्ड्री मीन्स होता उच्च कुल में जन्म, पंप माने दिखावा, वेल्द माने धन, अवेट माने प्रतीक्षा करना, एलाइक माने एक समान रूप से, इनवाइटेबल आवर मीन्स होता है मृत्यु, पथ मीन्स रास्ता, ग्लोरी मीन्स शान, लेड माने ले जाना और ग्रेव मीन्स कब्र। तो बच्चों आपके फोर्थ लेसन का भी मीनिंग कंप्लीट हो गया है। इन चारों लेसन्स इन चारों पोएम्स का माने आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए, तब आपको हम एक एक पोएम अच्छी तरह से अपने शैली में साधारण शैली में आपको पढ़ाएंगे समझाएंगे और तब उसके स्टैंजा की व्याख्या और उसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखवाया जाएगा। धन्यवाद।